आईपीएल 2022 में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से प्रभावित करके दिखाया है, लेकिन इस सीजन सबसे बेहतर खेल उन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है जो अनकैप्ड हैं। ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आईपीएल में जो भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है उसकी सीधी एंट्री भारतीय टीम में हो जाती है। अब इस सीजन में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल 2022 में अच्छा खेल दिखाया है उन्हें आगामी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली सीरीज में मौका मिल सकता है। चलिए जानते हैं उन्हीं तीन अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आगामी सीरीज में मौका मिल सकता है। नंबर एक, राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया इस सीजन एक सरप्राइज पैकेज की तरह रहे हैं। उन्हें इस सीजन 9 करोड़ से भी ज्यादा रकम देकर गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। इस सीजन राहुल तेवतिया ने 13 मुकाबले खेलते हुए 11 पारियों में 215 रन बनाए हैं, जहां उनका औसत 36 का रहा तो वहीं स्ट्राइक रेट लगभग 150 का रहा। लेकिन सबसे खास बात ये रही है कि राहुल तेवतिया ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मुकाबलों में गुजरात टाइटंस को महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। उन्होंने रन चेज के दौरान टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाने में भी अहम योगदान दिया है। राहुल तेवतिया को इससे पहले साल 2021 में खेले गई भारत बनाम इंग्लैंड के बीच T20I सीरीज में मौका मिला था, लेकिन उस दौरान राहुल तेवतिया 5 मुकाबले में बेंच पर बैठे रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सीजन के बाद राहुल तेवतिया को भारतीय कैप मिल सकती है और उन्हें बतौर फिनिशर के रूप में देखा जा सकता है। नंबर दो, तिलक वर्मा। कहना गलत नहीं होगा, तिलक वर्मा इस सीजन की सबसे बड़ी खोज है। आईपीएल 2022 के शुरुआती दिनों में तिलक वर्मा से बेहतर कई अन्य अनकैप्ड बल्लेबाजों को माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ा तिलक वर्मा ने न केवल मुंबई इंडियंस बल्कि आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। तिलक वर्मा इस सीजन के आईपीएल सेंसेशन है। उन्होंने 12 मुकाबले खेलते हुए 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 250 भी मारे हैं। उनकी औसत की बात करें तो उनका औसत लगभग 41 तो वहीं स्ट्राइक रेट लगभग 133 का है। तिलक वर्मा ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को कई बार बिखरने से बचाया है। 19 साल का ये युवा बल्लेबाज भारतीय टीम में अगर एंट्री मारता है तो टीम को इससे काफी मदद मिलेगी। नंबर तीन, उमरान मलिक। उमरान मलिक पिछले सीजन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस सीजन उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिग्गजों से लेकर फैंस तक सभी को अपना दीवाना बनाया है। उमरान मलिक ने इस सीजन 157 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है, जो आईपीएल इतिहास में बतौर भारतीय सबसे तेज तो वहीं आईपीएल इतिहास में दूसरी सबसे तेज गेंद है। उमरान मलिक को हालांकि इस सीजन काफी मार पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर काम करते हुए कई विकेट भी अपने नाम किए हैं। उमरान मलिक ने इस सीजन 12 मुकाबले खेलते हुए 18 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उन्होंने एक पंजा भी अपने नाम किया है। उमरान मलिक की गति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय टीम में आज से पहले इतनी तेज गेंदबाजी किसी और गेंदबाज ने नहीं की है। आगामी दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उमरान मलिक को आजमाना बेहतर सोच रहेगी। उमरान मलिक सेना कंट्री में भी भारतीय टीम के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो ये हैं वो तीन अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी जिन्हें आगामी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में मौका मिल सकता है। अब देखना होगा कि क्या इनका नाम भारतीय टीम में आता है या फिर सिलेक्टर्स उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे जिन पर वो पहले से करते आ रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।